क्या आपको पता है कंपनीज आईपीओ क्यों इशू करती है और एक्सचेंज लिस्टिंग क्या होता है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कंपनीज इशू एन आईपीओ? वेल, इट्स मोस्टली टू रेज मनी, पर आईपीओ के काफ़ी और रीजंस भी होते हैं। आइए समझते हैं कि कंपनीज आईपीओ क्यों करती है और क्या आईपीओ करने में सिर्फ फ़ायदा ही है या नुकसान भी। वन कंपनी स्टार्ट, दे आर यूजली स्मॉल, विद टाइम दे ग्रो बिगर एंड नीड मोर कैपिटल। तब फंड रेज करने के काफ़ी ऑप्शन हैं, जैसे प्रॉफिट्स यूज करना, बैंक से लोन लेना, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेना, जैसे कि किसी बड़े फंड से या राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर से, या फिर कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग करना यानी आईपीओ निकालना। रेजिंग मनी एंड आईपीओ कैन बी इशूड फॉर थ्री रीजंस: टू प्रोवाइड एन एग्जिट रूट टू अर्ली इन्वेस्टर्स इन बिजनेस सच एज एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स, टू ओपन द डोर्स ऑफ द बिजनेस टू न्यू इन्वेस्टर्स, to attract attention or improve brand recall. पर क्या IPO issue करना हमेशा अच्छा होता है या इसके कोई disadvantages भी हो सकते हैं? IPO के कुछ problems ज़रूर हैं। It may dilute the holdings of core investors, affecting their authority in decision making. Private companies can take decisions more easily. But in a public company, the board of directors will try to protect the interest of all shareholders. Dusra disadvantage hai cost. Public listing ki process kafi mehengi hoti hai. IPO se pehle due diligence aur IPO manage karne ke liye bankers pe kafi kharcha ho sakta hai. An IPO can also open up opportunities for hostile takeovers as a competitor may buy enough shares of a company to get majority stake. Over the years, many entrepreneurs have lost control over their businesses because of a hostile takeover. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.